नमस्कार, आप देख रहे हैं वन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे उपचुनाव की अग्नि परीक्षा को लेकर, उपचुनाव में 7 सीटों को लेकर के आज चर्चा करेंगे। तो वहीं इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का एक ट्वीट जिसने भूचाल मचा दिया है, उस ट्वीट को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर लगातार शुरू हो गया है। क्या वो बयान उपचुनाव पर असर डालेगा? क्या प्रदेश की 7 सीटों पर भी वो बयान असर डालने वाला है? इस पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ 7 सीटों के समीकरणों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र सिंह नरुका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, राहुल गांधी जी ने बयान दिया, एक्स पर पोस्ट लिखी और उसके बाद अब विपक्ष को, या यूं कहें कि आपके विपक्षियों को, बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है जिसको लेकर के सियासत तेज हो गई है। राजस्थान में 7 सीटों पर चुनाव होना है, इसके अलावा महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के मौके पर यह बयान कई मायनों में अहम है और इस बयान को भुनाने का प्रयास बीजेपी कर रही है। आशीष जी, मैं कहना चाहूंगा कि इलेक्शन पे या उपचुनाव पे, आने वाले चुनाव में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी को तो गुणगान करने की, झूठ बोलने की, बात का बतंगड़ बनाने की वो आदत है। और रही बात की ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर उन्होंने जिस तरीके से कहा, तो क्या गलत कहा? भारत देश सोने की चिड़िया था, भारत देश सोने की चिड़िया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब यहां एंट्री हुई भारत में, तो उन लोगों ने अपने बहुत ही प्री प्लान तरीके से, उस समय लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ करता था, राजतंत्र था, और राजतंत्र था जो विभाजित था। सभी प्रदेशों में कहीं कहीं राजपूत राजा होते थे, तो कहीं कहीं ब्राह्मण राजा होते थे, कहीं तो इस प्रकार से अलग अलग कास्ट वाइज, जहां जिनका बहुत ज्यादा एक कहते हैं कि बहुमत, उस तरीके से अलग अलग होता था। तो उस तरीके से उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उनमें भी क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक मोनोपोली थी, मोनोपोली के तहत उन्होंने एक यहां जो जो चीजें थी भारत में उनको किस तरीके से हड़पा जाए, उसके लिए उन्होंने राजाओं में एक वर्गीकरण, या राजाओं को किस तरीके, किस राजा को अपना बना के और बनाकर उसको तोड़ा जाए, कैसे अपने कब्जे में उसको लिया जाए, तो उसी तरीके से आज की जो स्थिति भारत में आप देख रहे हैं कि भारत में आज जो बीजेपी जो काम कर रही है, बीजेपी भी इसी तरीके से काम कर रही है। बीजेपी में बहुत आप देख रहे हैं कि देश जब से आजाद हुआ, आजाद से अब तक ना जाने कितने सारे औद्योगिक घराने हुए, कभी कांग्रेस ने पर्टिकुलर किसी एक विशेष घराने को इस तरीके से तवज्जो नहीं दी जिस तरीके से मोदी सरकार ने अडानी या एक दो ग्रुप्स कुछ और हैं जिनको पूरे देश की, मैं कहूं कि पूरा देश का एक कि पूरा जो एक औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनको सबको सुपुर्द कर दिया है, और वो भी कि मर्जी से, कि जिनके अंदर रूल्स रेगुलेशन काट छांट करना, हमारे यहां जब भी सरकारें बनी, सरकारें सत्ता में आई, बीजेपी सरकार में आई, उसके बाद कांग्रेस जब सरकार में आई, तो उन्होंने जिस जो एक पॉलिसी जो बनती है औद्योगिक तरीके से, उस तरीके से उनको उनको एक कहते हैं कि टेंडर जो प्रक्रिया होती है संवैधानिक तय, जिस तरीके से किया, लेकिन यहां तो सब चीजों को दरकिनार करते हुए और संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए, जिनसे व्यक्तिगत उनको फायदा है, पॉलिटिकली रूप से उनको फायदा है, अलग तरीके से उनको फायदा, और उनको औद्योगिक इकाइयां स्थापित करके और उनको बहुत आगे तरीके से प्रोजेक्ट किया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई राहुल गांधी जी ने कुछ गलत इसमें उन्होंने कहा है। और रही बीजेपी, तो बीजेपी तो बीजेपी का काम क्या है, बीजेपी का यही तो काम है। बिल्कुल जयप्रकाश जी, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर के, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और आप लोगों ने मुद्दा बना रखा है चुनाव के वक्त पर, राहुल गांधी के बयान को इतना हाईलाइट कर दिया गया है जिससे कि चुनाव में रणनीतिक तौर पर बीजेपी को कहीं न कहीं फायदा भी मिलने वाला है। देखिए, ये जो बयान है वो कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। गाये बगाए राहुल गांधी जी देश में विदेशों में ऐसे बयान देते रहते हैं, समाज को तोड़ने वाली बातें करते रहते हैं, देश को तोड़ने वाली बातें करते रहते हैं। जो बयान दिया, आप इसके परिप्रेक्ष्य में जाएंगे, हम यदि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और बंगाल और जो कोस्टल एरियाज हमारे इंडिया के थे, उस कोस्टल एरिया में उन्होंने व्यापार शुरू किया। आप देखिए उस टाइमिंग की 17वीं शताब्दी में यहां पर किनका राज था, यहां पर राज कौन कर रहे थे, लेकिन उनको राजा महाराजाओं को टारगेट करना है, उनको राजा महाराजाओं को बदनाम करना है। जिस हिसाब की भाषा उन्होंने यूज किए उस लेख के माध्यम से, उस ट्वीट में राजा महाराजाओं को उन्होंने अपमानित करने का काम किया, दलाली जैसे शब्दों को यूज किया है। अब राजा महाराजाओं का यदि बात करें, तो 7वीं शताब्दी से यदि देखें, तो इस देश धर्म और संस्कृति अनेकों आक्रांताएं आक्रमण करने, खून के प्यासे तलवार और भाले लिए इस देश में आए,
उस देश धर्म संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए यहां के राजा महाराजा ने अपना सर्वस्व बलिदान किया, उन पे सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि हम तय करें कि 17वीं शताब्दी में यहां राज कौन कर रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से आई, राजा महाराजाओं को क्यों टारगेट किया गया, इस देश को बनाने में एकीकृत भारत यानी आजादी को यदि देखें, आजाद जब देश हुआ और जब हिंदुस्तान बना, देश बना, तो इन राजा महाराजाओं ने इस एकीकृत भारत के लिए अपनी 500 से ज्यादा रियासतें वो कुर्बान कर दी। आज उन पे सवाल उठाए, दलाली जैसा शब्द यूज किया जा रहा है, निश्चित रूप से उनके स्वाभिमान को चोट है और इस चोट का जवाब वोट के माध्यम से जनता देगी। बिल्कुल, तो ये एक कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के बयान से कहीं ना कहीं बीजेपी को बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वोट की चोट जनता के माध्यम से करवाने की कोशिश जो बीजेपी की है वो कहीं ना कहीं सफल होने वाली है। जयपाल जी, निश्चित रूप से जिस हिसाब की भाषा राहुल गांधी यूज करते हैं, शायद उनको इतिहास का जानकारी नहीं है, शायद उनको भारत की संस्कृति की जानकारी नहीं है। आप याद कीजिए जाम साहब को, याद कीजिए गुजरात के जाम साहब को। अभी मोदी जी अगस्त में जब पोलैंड गए तो वहां पर जाम साहब की प्रतिमा मिली। कौन जाम साहब है? जाम साहब वही है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन हजारों बच्चों को यहां पर शरण दी, और जब यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध हुआ तो हमारे हजारों बच्चों को उस पोलैंड ने शरण दी। वो राजा थे, आज भी जाम साहब का नाम है, हजारों नाम है। मैं बात छोड़िए, अब डेमोक्रेसी की जब स्थापना हुई तो हमारे यहां पे राजा महाराजाओं ने जनता में उनका मान सम्मान था, जनता ने उसको शरमाते बिठाया। बीकानेर के महाराजा सातवां निर्दलित चुन के आए इस संसद में प्रतिनिधित्व किया बीकानेर का, उनका मान सम्मान था, उन्होंने इस देश की स्थापना में योगदान दिया है, भारत की नींव में उनका खून पसीना है, भारत के लिए उन्होंने अपने सर्वस्व बलिदान किया है। उनको दलाली जैसे शब्दों को यदि यूज किया जाता है तो मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से क्षत्रिय समाज इसका जवाब देगा, वोट की चोट के माध्यम से देगा और कांग्रेस को आईना दिखाएगा। जितेंद्र जी, राहुल गांधी की एक पोस्ट, चुनाव के एन वक्त पहले, वोटिंग का दौर चल रहा है, चुनाव प्रचार अभियान अपने परवान पर है, इस प्रकार के पोस्ट से क्या बचना नहीं चाहिए था? अगर लगता है कि इसको लेकर के विवाद खड़ा हो सकता है, आपके विपक्षियों को, आपके विरोधियों को बैठे बिठाए कोई मुद्दा मिल सकता है, तो क्या ऐसे विवादित पोस्ट करने से बचा नहीं जा सकता? मैं बताना चाहूंगा कि अभी आप हमारे मित्र और बीजेपी के प्रवक्ता जयपाल सिंह जी जो बता रहे थे, कांग्रेस आज भी राजाओं का सम्मान करती है। किसने कहा कि राजाओं का सम्मान नहीं करती? जितना कांग्रेस ने राजाओं को सम्मान दिया है उतना तो बीजेपी ने कभी दिया ही नहीं। आप उठा के देख लीजिए, ग्वालियर घराना उठा के देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन सी पार्टी से थे, उनके सुपुत्र ज्योतिरादित्य जी कौन सी पार्टी से थे, दिग्विजय सिंह जी किस पार्टी के थे, अर्जुन सिंह जी थे, भंवर जितेंद्र सिंह जी किस पार्टी से, गायत्री देवी जी के साथ क्या किया? ऐसा नहीं है कि राजाओं के राज, आज भी हमारा राजाओं को, लेकिन बीजेपी को तो जिस तरीके से इनको बात का बतंगड़ बनाना आता है हमारा, लेकिन एक परिवार में आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने विरोध किया इस बात का जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने विरोध किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उससे पहले कहां थे, उनके पिताजी कहां थे, सवाल जाने कितने साले घराने, वो तभी कह रहे हैं कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस में हुआ करते थे बीजेपी में है, सबसे पहले उन्होंने विरोध किया, यही कह रहे हैं ये। जयपाल जी, मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने संपूर्ण भारत के राजाओं के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस में भी खराब हो सकते हैं, कुछ लोग बीजेपी में भी खराब हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि संपूर्ण राजाओं के लिए उन्होंने टारगेट करते हुए कहा। उस समय की समय परिस्थिति काल ऐसा हुआ करता था कि लोकतंत्र तो था नहीं और एक राजतंत्र था, राजतंत्र में राजाओं के पास जिम्मेदारी हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन लोगों को अपने प्रलोभन में लेके, और कुछ लोग चुनिंदा लोग वो तो आज भी करते ही है ना, आज क्या नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे, तो उसमें उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के लिए नहीं कहा। आज भी पार्टी राजाओं का सम्मान करती है, उतना ही सम्मान करती है, और बीजेपी से तो कहीं बहुत ज्यादा करती है। लोकतंत्र में जितनी हिस्सेदारी कांग्रेस पार्टी ने राजाओं को दिए, शायद आप मुझे बता दीजिए कि आपने क्या सम्मान दिया है, और आपने इसको जो जातीय तूल देने की बात करिए, क्षत्रिय के लिए आपने बात की है, क्षत्रिय को आप बांटने की कोशिश ना करें, उस समय राज कौन कर रहा था हिंदुस्तान में, 36 कौम को बांटने की कोशिश ना करें, उस समय राज कौन कर रहा था, भाईचारे के लिए काम करने नाम लेने में क्या तकलीफ है, कौम के लिए काम करने का नाम लेने में क्या तकलीफ है, आपको जातियों को लड़ाने के लिए, आपको वर्ग विशेष को लड़ाने के लिए, उनका नाम लेने में दिक्कत क्या है, उनका नाम लेते उस समय राज कौन कर रहा था, समय आएगा, ऐसी जब इस तरीके से कोई बात होगी तो निश्चित ऐतिहासिक जानकारी के बिना
बिना तर्क और बिना फैक्ट के उनका जिनका राज था, जिससे वो राज कर रहे थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके आए, जिनके साथ उनका पैक्ट हुआ, उनका नाम लेने में दिक्कत क्या है? राहुल गांधी जी उनका नाम लेके बोलिए ना, किन किन समय पैक्ट हुआ? समय जब आएगा निश्चित राजा महाराजाओं को टारगेट करने का समय आएगा जब निश्चित। आज भी कांग्रेस पार्टी और पूरी पार्टी राजाओं का, राजा महाराजाओं का नहीं, 36 को सबका सम्मान करते, लेकिन आपने उसको एक टारगेट करते हुए, मुझे बताइए आप जयपुर के महाराजा ही जाएनेस ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए, सम्मान करते हैं? कौन कहता नहीं करते? सम्मान करते हैं, उन्हीं के लिए बोल रहे हैं, वो उन्हीं के लिए बोल रहे हैं। राजा महाराजा कहां लिखा है? दलाली जैसे सब, किस वक्त तक जिन्होंने दलाली दलाली की ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं आप बताइए? ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी ने, किस ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी ने पाकिस्तान के दांत कटे के छात्रों जाके उन्होंने तिरंगा ले रहा, उन्होंने छात्रों में थाने में बैठ के चाय पी, आप इसको भारतीय सेना ने उनको एनडीसी दिया, सम्मान किया, राजाओं के साथ दबाव का भी नाम लिया, राजाओं के साथ दबाव का भी नाम लिया, राजा महाराजाओं को दलाली जैसे शब्द सिर्फ राजाओं पर टारगेट करो, राजाओं के साथ उन्होंने लिखा है, आप लेख दीजिए, नवाब भी लिखा है, राहुल गांधी को बोलिए कि राजा नाम लिया है, वो माफी मांगे देश से, उसमें नवाब बिल्कुल नहीं मांगे, से माफी मांगे, हमारे स्टैंड पे कायम है, समाज में माफी मांगे, यदि नहीं मांगे क्षत्रिय वाले क्षत्रिय समाज इसका जवाब वोट की चोट के माध्यम से देगा। बताइए, मुझे बताइए, क्षत्रियों को बीजेपी ने क्या दिया है? जितना क्या दिया है, जिन क्षत्रियों ने बीजेपी की स्थापना की, जिन क्षत्रियों ने अपना सर्वस्व बीजेपी पार्टी के लिए दिया, उसके बदले में क्या दिया? आप देखिए ना, कांग्रेस ने कितने राजाओं को धोखा दिया, कितने लोकतंत्र, कितनों को लोकसभा में लेके गए, कितनों को विधानसभा में लेके गए, अपमान करती है, तोड़ने की जैसी बातें नहीं करती है, समाज को बांटने की बातें नहीं करती है, अभी अभी पूरे देश करती है। राहुल गांधी जी ने केवल भारत बल्कि विदेशों में जाके भारत को तोड़ने की बात, बीजेपी के पास करने की, बीजेपी के पास अभी सिर्फ लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है, आप विकास की बात लिखिए, क्या आपने विकास किया? आप ही मांगे, आप विकास चुनाव में, आने वाले चुनाव में वोट का चोट देकर क्षत्रिय समाज उसका जवाब देगा। राहुल जी कतई माफी नहीं मांगेंगे, राहुल जी अपने स्टैंड पे कायम है, और आप बार बार क्षत्रिय समाज को टारगेट कर रहे हो, किसी को टारगेट नहीं किया, किसी को टारगेट नहीं किया, जानबूझ के अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पहले भी सम्मान करती थी, आज भी सम्मान करती है, और उसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया है। चलिए चर्चा का दौर लगातार, नवाब आप देखिए, उसमें पढ़ के आइए मेरे साथ भी, ठीक है, उन्हीं के साथ फिट था। चलिए जितेंद्र जी, मेरा सवाल फिर से आपसे वही है, चुनाव का मौका है, दो राज्यों के विधानसभा चुनाव है, कई राज्यों में उपचुनाव का माहौल है, और ऐसे समय में क्या ये जो बयान है, ये पोस्ट है, इस पोस्ट से क्या कांग्रेस को बेनिफिट मिलने वाला था? क्या कांग्रेस को रणनीतिक यहां पर एडवांटेज मिलने वाला था? अगर एडवांटेज मिल रहा होता तो समझ में आता है कि इस बयान से आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई कौम आपके साथ में आके खड़ी होने वाली, आपको वोट मिलने वाले हैं। अगर आपको इस चुनाव में इस बयान से कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है और आपको उल्टा जवाब देना भारी पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, आप बिल्कुल खोल के भी आप पूरी चीज समझा नहीं पा रहे हैं, ऐसा बयान देने की जरूरत क्या? ऐसे विवादित बयानों से बचा नहीं जा सकता था क्या? और चुनाव के बाद में ऐसे बयान भी ट्वीट किए जा सकते थे? जितेंद्र जी, आशीष जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये कोई राजनीतिक पोस्ट नहीं थी सबसे पहले, लेकिन इसका राजनीतिकरण बीजेपी पार्टी द्वारा कर दिया गया, जो कि इन लोगों की एक पुरानी आदत से बनी हुई है कि सिर्फ इंतजार करते हैं, उनकी एक विशेष टीम इस चीज का इंतजार करती है कब ऐसी कोई बात सामाजिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो कि उस बात को काट छाट के पेश करना। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने ऐसा ही कतई बिल्कुल नहीं कहा, ना ही किसी राज परिवारों को टारगेट किया, उन्होंने उस समय की जो व्यवस्था नहीं किया होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप, मैं तो मैं ये मानता हूं जो आप कह रहे हैं, आपका जो भाव है उसी अकॉर्डिंग उन्होंने पोस्ट की होगी, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि ऐसे मौके पर जब कोई आपका बयान चर्चा का विषय बन सकता है, आपके विरोधियों के पास में एक मुद्दा बन सकता है, जब आपको पता है बीजेपी की सोशल मीडिया सेल कितनी एक्टिव है, बीजेपी के नेता कितने एक्टिव है कि आपके बयानों को ही उछाल करके और चुनाव जीतने में माहिर है, तो ऐसे समय में ऐसे विवादित पोस्ट से बचा जा सकता था। मेरा सवाल यही है कि क्यों बैठे बिठाए मुद्दा दिया जाए? हम कतई भी इनका ना तो भय खाते हैं बीजेपी वालों का, और ना ही हमें इनके अनुसार थोड़ी चलना है कि हमें हमारे कुछ करने से या हमारे कुछ हमारी स्क्रिप्ट लिखने से या हमारा लेख या हमारी स्टेटमेंट आने से और कि बीजेपी का हमें इंतजार करना होगा या बीजेपी रिकाउंटर करेगी, तो उन चीजों का हम लोग बिल्कुल कतई परवाह नहीं करते। और ये जो स्टेटमेंट है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि ना ही उन्होंने किसी घराने को टारगेट किया, साथ में उन्होंने, आपने देखा होगा, राज परिवारों के साथ में उन्होंने कहा नवाब,
और भी ना जाने अलग अलग कहीं आपने देखा है कि अलग अलग स्टेटों में कहीं कहीं ब्राह्मण उस समय राजा हुआ करते थे, कहीं राजपूत राजा होते थे, कहीं नवाब हुआ करते थे, कहीं तो इस तरीके से बहुत सारे उस समय जिनका अलग अलग स्टेटों में बहुत तयत में जिस संख्या का होता था उस अनुसार वो एक व्यवस्था थी। और उन्होंने एक व्यवस्था का उन्होंने सिर्फ अभी भी ये कहा है कि आज की व्यवस्था भारत में देखिए कि आपने सिर्फ एक दो एजेंसीज को पूरा यह औद्योगिक सारा साम्राज्य दे दिया। तकलीफ इस बात की है कि उनकी उन्होंने एक मोनोपोली बना ली है कि उनका जो काम करने वो कहते हैं कि सरकार पर्दे के पीछे है और वो चाहे जो मर्जी करेंगे। अब उनका ये कोई आपसी में कोई एक गठबंधन है या एमओयू है, कोई एक विशेष एक राजनीतिक फायदा है, उन्होंने सिर्फ इस बात को जनता को आगाह करना चाहा है, जनता तक मैसेज पहुंचाना चाहा है कि बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, हमारा किसी भी ऐसा नहीं है कि हमारा किसी भी बड़े औद्योगिक घराने से कि हमारी कोई दुश्मनी है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इन औद्योगिक इकाइयों को आप क्यों ना पूरे देश में बहुत सारे हजारों सैकड़ों उद्योगपति है उन सबको मौका दिया जाए। ठीक है जयपाल जी, जितेंद्र जी पूरे विस्तार से उस बयान की व्याख्या कर रहे हैं, समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि उनका ये उद्देश्य नहीं था, जो कि बीजेपी ने उसको उल्टा एक अस्त्र शस्त्र के रूप में चुनाव में काम में लिया जा रहा है, उनका एक साधारण रूप में एक बयान दिया गया था, क्यों उस बयान को तोड़ मरोड़ करके चुनावी लाभ लेने का कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है? देखिए इन्होंने कहा कि दो व्यक्तियों को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनने का जनादेश जनता ने दिया है और देश के प्रधानमंत्री है वो, उनके नेतृत्व में भारत तीसरी शक्ति पांचवी शक्ति बन चुका है, इकोनॉमिक रूप से सबसे तीसरी शक्ति बनने वाली है और 2047 का विकसित भारत का उनका संकल्प है। अब मैं बात जाता हूं उस पर कि बात ये कह रहे हैं कि बहुत छोटी सी बात है, मामूली सी बात है, मैं वापस वहीं जा रहा हूं सातवीं शताब्दी में कि इस देश पर सातवीं शताब्दी से शक आए, हूण आए, पाषाण आए और अनेकों आक्रांता इस देश पर अटैक करते रहे, लेकिन और वो राजा महाराजाओं के आज जो वंशज हैं उनके पूर्वजों ने इस देश धर्म और संस्कृति और सभ्यता के लिए अपनी कई कई पीढ़ियां खपा दी, कई पीढ़ियां खपा दी। इस बात को कौन इग्नोर कर रहा है? महाराणा प्रताप दास्ती रोटी खाया, सम्मान देते हैं, आज सम्मान करते नहीं, आज कुछ तथागति आप देश के नेता उन महाभारत देशभक्ति ऐसा नहीं है, आज भी हम उनकी देशभक्ति का सम्मान करते हैं, किसने कहा आज भी हम अनेकों बार राहुल गांधी जी अपने ज्ञान के माध्यम से राजा महाराजाओं को कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, आपको जातियों को देश धर्म संस्कृति का ज्ञान नहीं है, इतिहास पढ़ना चाहिए उनको कि कौन थे मराठा महाराज शिवाजी महाराज, कौन थे महाराणा प्रताप, उन राजा महाराजों को याद कीजिए ना, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ी, राहुल गांधी बात करें उनकी 20-20 पीढ़ियां इस देश की नींव में उनका खून पसीना खप गया, उनकी 20-20 पीढ़ियां स्वाह हो गई, इस देश निर्माण में उन्होंने सर्वस्व अर्पण कर दिया, बिल्कुल किया उन्होंने, राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी सारी रियासतें इस देश को कुर्बान कर दी, उन राजा महाराजाओं के बारे में सीधा लिखो ना, कौन था उस समय वो राज कौन कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया में राज कौन कर रहा था, अरे भाई आप तो इस बात की नवाब कौन थे, निश्चित रूप से समय आएगा, कौन थे समय आएगा जब बताएंगे, लेकिन आप महान बताने वाले इस देश से प्यार नहीं कर सकते हैं, वो कैसे महाराणा प्रताप से प्यार करेंगे, जाकर आंसू बहाने वाले इस देश के राजा महाराजाओं पर सवाल उठा रहे हैं, औरंगजेब की जेब पे कब्र पर जाकर उन पर सवाल उठाया जा रहा है। जितेंद्र जी की बात लेते हैं, जितेंद्र जी महाराणा प्रताप महान थे, अकबर ना महान है ना कभी होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लेकिन हम सर्वे करेंगे, आपके बारे में स्टडी करेंगे कि महाराणा प्रताप महान था या अकबर, किसने कहा मैं एक प्रवक्ता होने की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ, दासराज जी के स्टूडेंट बयान है, पूरा देश पूरी दुनिया जी कहते हैं कि सर्वे करेंगे, हम सिलेबस से हटाएंगे, हम तय करेंगे, हम स्टडी करेंगे, कमेटी बनाएंगे जो तय करेगी अकबर महान था या महाराणा प्रताप महान था, ये कौन है तय करने वाले? महाराणा प्रताप महान है और महान रहेंगे हमेशा, बिल्कुल मैं ऑफिशियली रूप से मैं कह रहा हूँ, मैं पार्टी का ऑफिशियली प्रवक्ता हूँ और उसी हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि महाराणा प्रताप महान है, महान रहेंगे, तो इसलिए आप ये लड़ाने का कि अकबर महान था महाराणा प्रताप महान था, हम ये स्टडी करेंगे, कमेटी बनाएंगे, वो तय करेगी, ये बीजेपी करती है, बीजेपी करती है को फोन लगा लीजिए, ये सब बीजेपी करती है। हमारा सिर्फ टारगेट जो है, आपने आपने कुछ चुनिंदा लोगों को देश की चाबी दे दी है, जो लूटने का काम कर रहे हैं राजा महाराजा नहीं, देश के कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको जिनके साथ आप एसोसिएट हो, जिनके साथ आपकी पार्टी की पार्टनरशिप है, उनको आपने ये देश की चाबी दे दी है और आज पूरे देश में रोजगार को लेकर त्राही त्राही हो रखी है, उनकी मर्जियां चल रही है, आपने आपने एयरपोर्ट जैसे
उनको आपने काबिज कर दिए। देश की सबसे बड़ी ताकत जिसका लोग दुनिया माने मोदी जी के नेतृत्व में 150 देशों से ज्यादा ये देश संकल्पित है, पांचवी सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति बनने बन गई है और तीसरी शक्ति बनने जा रही है, ये मोदी जी के नेतृत्व में कर दिखाया। बिल्कुल, चलिए चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 7 सीटें प्रदेश की हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, इस बयान का बीजेपी कितना बेनिफिट लेगी मैं नहीं जानता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जनता के मन में उस बयान को लेकर के क्या ठीस है कि नहीं है ये तो वो आने वाला वक्त बताएगा और चुनाव का परिणाम बताएगा, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा मिला है बीजेपी को उसको भुनाने में बीजेपी पुरजोर तरीके से जुट गई है। इसको एक राजनीतिक रंग, जिस प्रकार से जितेंद्र जी आपने कहा कि बीजेपी राजनीतिक रंग देने में लगी हुई है, जुटी हुई है, तो ये तो आप मान के चलिए बीजेपी का कोई भी नेता अगर कोई टंग स्लिप होती है या फिर बयान इस प्रकार का देता है तो आप भी उसको मुद्दा बनाते हैं। आपने यहाँ पर अगर बात करें राजस्थान की तो सीधी सीधी पीसीसी चीफ की और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की, आप देखिए कितना वो वाकयुद्ध चलता रहता है, उसको बयानबाजी में कन्वर्ट करते हैं कि नहीं करते, और उसको लेकर की सियासत होती है कि नहीं होती। आप व्यक्तिगत रूप से और अभद्र शब्दों का जब आप प्रयोग करते हो, चाहे वो बीजेपी से है चाहे कांग्रेस से है, वो किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं यदि कांग्रेस का कोई व्यक्ति इस तरीके से निंदनीय शब्दों का ये इस्तेमाल करता है तो कतई उसको अधिकार नहीं है, हम उसकी निंदा करते हैं चाहे वो बीजेपी से है चाहे कांग्रेस से। आपने कहा मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री है, सर शिक्षा मंत्री हैं वो प्रदेश के, और उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं को लेकर टिप्पणी, क्या क्या बोलते हो आप, कैसे व्यक्ति को आपने शिक्षा मंत्री बना दिया? धारीवाल जी क्या बोलते हैं विधानसभा में वो भी जरा बताइए। अरे धारीवाल जी विधानसभा में क्या बोलते हैं, मर्दों का प्रदेश है एक बार, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या पूरा जो वाक्य बोला आपने, पूरा वाक्य महिलाओं है वो जितना जितना मर्दों का बोला ज्यादा महिलाओं का है। मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को आरक्षण दिया राजस्थान में, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देने का, महिलाओं का सम्मान किया है, लेकिन आपके धारीवाल जी संसद में क्या बोलते हैं, प्रदेश की सबसे बड़ी सबसे बड़ा मंदिर है उसके अंदर क्या बोलते हैं? धारीवाल जी ने क्या बोला पूरा चीज बताइए ना, सिर्फ आप मर्दों तक क्यों सीमित रखते हो? ये प्रवक्ता आप बताइए ना, आप उसको जो काउंटिंग में फिर बोल रहे हैं वो मर्दों का प्रदेश है राजस्थान। दूसरा मैं आशीष जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आने वाले उपचुनाव में आपको बताना चाहूंगा कतई कोई यह फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्रचंड रूप से हमारी सरकार बनने प्रचंड रूप से सरकार तो हमारी की रहने वाली है, हमारी सीटें निश्चित रूप से हमारी प्रचंड सीटें हम लोग सातों सीटें हम लेके आएंगे, इसमें कतई कोई ग्रेज नहीं है, बहुत अच्छा हमारा चुनाव चल रहा है, हम बहुत अच्छी स्थिति में है। चलिए जयपाल जी चलते चलते आप भी अपनी बात रखें सातों सीटों को लेकर के। देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को इजी नहीं लेती है और बड़े दमखम के साथ में लड़ती है, और ये चुनाव भी जो बाई इलेक्शन है उसको भी बड़ी मजबूती के साथ में संगठन स्तर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जी और पूरा संगठन इस चुनाव को इसी रूप में देख रहे हैं, और निश्चित रूप से जनता का अभूतपूर्व समर्थन प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और राजस्थान की इन सातों सीटों पर कमल खिलना तय है। चलिए आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।